इटावा जनपद के चकरनगर और बड़पुरा इलाके के साथ साथ शहर में भी बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है। इटावा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और यमुना अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है, जिससे शहर के निचले इलाके इसकी चपेट में आ गए हैं। शहर में यमुना के किनारे बना अंत्येष्टि स्थल पानी में डूब गया है और यमुना की तलहटी में बसे कई गांव इसके पानी से घिर गए हैं। जो लोग अपने आशियाने छोड़ सकते हैं, उन्होंने ऊपरी इलाकों में अपना नया ठिकाना तलाश लिया है, लेकिन अभी भी दर्जनों परिवार ऐसे हैं जो अपने घरों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर पानी बढ़ने की यही स्थिति रही तो ये इलाके पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। यही नहीं, ग्वालियर बरेली राजमार्ग पर पानी आने से इस सड़क को भी बंद करने की स्थिति आ सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी लगातार बढ़ रहा है और हम जैसे तैसे अपने परिजनों को यहाँ से निकाल रहे हैं। अभी तक न तो नगरपालिका से और न प्रशासन से कोई हालात जानने और मदद करने आया है। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया का कहना है कि जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट के अंडर में एक टीम बना दी गई है जो इन इलाकों का दौरा करके पीड़ितों को मदद पहुंचाएगी। इसके साथ साथ बीहड़ी इलाके के भरे थाना और बड़पुरा थाना क्षेत्र में दर्जनों गाँव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। जिला मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन की टीम हर संभव व्यवस्था करने में लगी है। एनडीआरएफ की टीम गांव से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजने में लगी है। प्रशासन ने जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां जनरेटर की व्यवस्था की है और आज से उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी और जिले के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को मदद पहुँचाने में लगे हैं। लेकिन वो 2 मीटर गेज के हिसाब से यहाँ पे पहले कितने कम होगा नहीं अभी टाइम अभी सब ठीक है, उसको बनाने के लिए देख लिया। कब तक बन जाएगा?